अनलॉक हो जा। अरे अनलॉक हो ही नहीं रहा है, अनलॉक क्यों नहीं हो रहा है? हो शिट, मैंने ये पहना हुआ हूं इसलिए अनलॉक नहीं हो रहा है। अब तो हो जा, देखो अब भी नहीं हो रहा है, अब मांग रहा है पास कोड, क्योंकि मैंने 3-4 बार ऐसे ऐसे कर दिया ना यार। ये आईफोन्स का यही प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ये वाला जो होता है ना, यहां पे क्लिक करके या फिर पावर बटन में क्लिक करके जो अनलॉक हो जाता है, मतलब जिसे हम कहते हैं टच अनलॉक की, वो आईफोन में नहीं होता है आजकल। आईफोन में सिर्फ होता है ये फेस अनलॉक। दोस्तों ये फेस अनलॉक आजकल के टाइम में बड़ा ही, मतलब कोई काम का ही नहीं है यार। जब भी हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे चेहरे पर तो यही होता है। अब बार बार ये हटाओ तो एक अलग रिस्क, और फिर जब बार बार हमने ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा कर दिया उसको अनलॉक करने के लिए, तो फिर पासवर्ड डालो और हाथ वाथ कहीं बिजी रहे तो एक और रिस्क। यार क्या कर रहा है आईफोन? आईफोन का कहना यह है कि अब तक तो देखो भाई, हम लोगों ने इसके साथ में ये जो टच अनलॉक होता है वो हमने नहीं दिए थे, लेकिन अब आईफोन का ये कहना है कि आईफोन 13 के आने पर आप लोगों को ये दोनों ही चीज मिल जाएगी। यानी अब आप आईफोन को टच करके भी और फेस के जरिए भी अनलॉक कर सकते हैं। और कमाल की बात ये होगी कि आईफोन 13 में आप लोगों को कोई ऐसा, मतलब पीछे या फिर साइड में नहीं, बल्कि इन स्क्रीन मिलेगा। आप स्क्रीन में ही अपनी फिंगर पॉइंट करेंगे और आपका जो स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाएगी। तो आईफोन 13 की तरफ से बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने संडे टॉक्स में इसी तरह की कमाल कमाल की खबरें लेकर आ गया हूं जो पूरे हफ्ते भी थी और आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी। बात चल रही थी आईफोन 13 की, तो मैं आप लोगों को आईफोन 13 की एक अच्छी बात तो बता ही दिया, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। और वो अच्छी बात यह है कि आप लोगों को तो पता होगा कि आईफोन 12 जो आया है उसमें आप लोगों को जो चार्जिंग का अडेप्टर होता है वो नहीं मिलता है, सिर्फ चार्जिंग केबल मिलती है। क्योंकि आईफोन ने एक सर्वे किया था आईफोन 11 आने के बाद, वो सर्वे ये था कि उसमें पूछा गया था कि भाई आप लोग जब नया आईफोन खरीदते हो तो आप लोग पुराने आईफोन का जो अडेप्टर होता है उसका क्या करते हो? तो बहुत सारे लोगों ने बोले, कुछ लोगों ने बोले हम तो बेच देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग घुमा देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम रिश्तेदार, और कुछ लोगों ने बोला कि हम दोस्तों को दे देते हैं। तो आईफोन ने अपना भाई दिमाग की चक्री चलाई और आईफोन 12 से वो अडेप्टर को ही गायब कर दिया। मतलब अब आप लोगों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ केबल, और केबल के जरिए आप पुराना वाला जो अडेप्टर है उसको कनेक्ट करो और फिर अपना आईफोन 12 को चार्ज करो। तो भाई ये तो ठीक है, चलो समझ में आ गया। लेकिन अब आईफोन 13 को लेकर ये रूमर है कि अब आप लोगों के सामने जो आईफोन 13 आएगा उसमें आप लोगों को तो अडेप्टर क्या, केबल ही नहीं मिलेगा। और केबल क्या, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है ये जो चार्जिंग पॉइंट या फिर चार्जिंग स्पेस बार होता है ना, ये भी आप लोगों को उसमें नहीं मिलने वाला है। तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली बात है यार। देखो आईफोन 12 से हटा दिया अडाप्टर को, 13 से हटा दिया चार्जर अडाप्टर और चार्जिंग बार को, 14, 15, 16 आएगा तो हमें फोन भी मिलेगा या नहीं? तो खैर ये तो रूमर वाली बात रही, लेकिन अब तक आईफोन ने ऐसा कुछ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट नहीं किया। लेकिन हाँ, हमेशा हर साल ऐसा होता है कि दिसंबर के आते आते तक लोगों को भनक पड़ जाती है कि अगला आईफोन जो आने वाला है वो किस तरह का होगा, उसमें किस तरह के फीचर होंगे। तो अभी लोगों के तक तो यही भनक पहुंची है। खैर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधे सीधे सैमसंग की। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग इतनी कमाल का काम कर रहा है ना कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे सैमसंग का ये काम सुन के। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री है सैमसंग की मोबाइल फैक्ट्री, और वो कहीं और नहीं इंडिया में ही है। चाइना से हटके वो इंडिया में आ गई थी। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि जो सैमसंग की डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि चाइना में है, यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चाइना में थी, अब वो इंडिया में शिफ्ट हो रही है। मतलब मोबाइल फैक्ट्री के साथ साथ डिस्प्ले फैक्ट्री भी इंडिया में शिफ्ट हो रही है, और वो इंडिया में शिफ्ट होने के साथ साथ 4,824 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे सोचो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और ये हमारे इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात है। बात करते हैं तीसरी कमाल की न्यूज की, और वो न्यूज जुड़ी हुई है सीधे सीधे जियो से। जी हां दोस्तों, हम लोगों ने कई बार कई दिनों से सुनते चले आ रहे हैं कि जियो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप कर रहा है, गूगल के साथ टाई अप किया, और फिर रूमर ये भी आया कि ओप्पो वीवो के साथ भी वो टाई अप कर रहा है। लेकिन अब ये पक्की खबर हो गई है कि जियो ने टाई अप कर लिया रियलमी के साथ, और अब कमाल कमाल के मोबाइल या फिर प्रोडक्ट्स की बात करो, चाहे वो मोबाइल हो, स्मार्ट वॉच हो, टीवी हो, कुछ भी हो, कमाल कमाल के प्रोडक्ट हमें देखने मिल सकते हैं। और हम सभी को पता है कि जियो के आने के बाद हम सारे लोगों को कितनी सहूलियत हो गई, और खासकर हम जैसे यूट्यूबर को जो कि यूट्यूब की नई एक तरीके से पार करा दिया जियो ने। अब जियो रियलमी के साथ जुड़ के पता नहीं क्या करता है, ये तो वक्त ही बताएगा।
आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं फेसबुक की। जी हाँ दोस्तों, ये जो तलवारें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफी समय से लटकते आ रही है, जब से खासकर 2020 अपना शुरू हुआ है, तो अब क्या खबर आ रही है कि तलवार लटक गई है फेसबुक के ऊपर। और जो लोग हैं यूएस मिनिस्ट्री के, उन्होंने फेसबुक को यह कह दिया है कि तुम जो कर रहे हो, जो दूसरी बिजनेस कंपनीज है, तुम्हारे जैसे सोशल मीडिया कंपनीज है, उनको तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो अपने एक तरीके से, अपने पैसों के चलते या फिर अपने फेम के चलते। आपके कारण व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी कंपनी अब आपके अंडर में काम कर रही है और दूसरी बड़ी कंपनीज को मौका नहीं मिल रहा है, तो फेसबुक यहां पे यार फंस के रह गया है। क्योंकि ये वही यूएस मिनिस्ट्री है, यूएस मिनिस्ट्री मतलब एक होता है, एक संगठन होता है, उनका उनके ही कहने पर फेसबुक ने इंस्टाग्राम को शायद 1 बिलियन या 8 बिलियन डॉलर में खरीदा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, यहां पे मेरा जो वो है गलत हो सकता है, और 19 बिलियन डॉलर में व्हाट्सएप को खरीद लिया था। इस चीज का अप्रूवल उसी मिनिस्ट्री ने फेसबुक को दिया था कि जाओ भाई आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद लो, लेकिन अब वही मिनिस्ट्री ये कह रही कि नहीं हमें तो सोचना पड़ेगा, आपके कारण दूसरी जो सोशल मीडिया कंपनीज है या फिर दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ये काम कर सकती थी वो नहीं कर पा रही है, तो उनका घाटा हो रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो अब शायद ये हो सकता है कि फेसबुक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों ही बेचना पड़ जाए, लेकिन अगर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही फेसबुक को बिक गया तो पता नहीं क्या होगा। व्हाट्सएप का तो नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, पता नहीं अगर बिक जाता है और ये किसी और के साथ जुड़ जाता है तो हमें क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। अगली खबर है जुड़ी हुई सीधे सीधे वायो के लैपटॉप से। जी हाँ दोस्तों, जो लोग थोड़े पहले के जमाने के लैपटॉप यूज कर रहे थे वो लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि सोनी ने वायो नाम की एक सीरीज निकाली थी। एक्चुअली वो सीरीज ठीक ठाक मार्केट में चली और फिर किसी रीजन की वजह से सोनी ने वायो को बेच दिया, मतलब अपनी ट्रेडमार्क को बेच दिया। अब वही ट्रेडमार्क को लेके कोई बड़ी कंपनी है जो अपने नए लैपटॉप को लॉन्च कर रही है, सिर्फ वायो, जो कि अब सोनी से अलग होगा और इसमें अच्छे अच्छे और कमाल कमाल के फीचर होंगे आज के ज़माने के हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है ऐसे लोगों को जो कि टेक फ्रेंडली है, शायद ये लैपटॉप उनके काम आए, क्योंकि वायो अब अलग होके पता नहीं क्या चेंजेस लाने वाला है। अब लैपटॉप की बात चल रही है तो हम सीधे सीधे बात करेंगे फ्लिपकार्ट के एक नए लैपटॉप की, जो कि नोकिया नाम से, नोकिया का नाम तो सभी लोगों को पता है बेशक, नोकिया के नाम के साथ एक लैपटॉप को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्योरबुक X14। जी हाँ दोस्तों, ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट ने दिखा दिया कमिंग सून है, और X14 से समझ में आ रहा है इसकी स्क्रीन 14 इंच की होगी और जो इंटेल i5 10th जनरेशन के साथ काम करेगा, इसमें 1GB की रैम होगी और 256GB की शायद हार्ड डिस्क होगी शायद, तो इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, आप इसे चेक कर सकते हैं और अगर मन पड़े तो खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नोकिया नहीं निकाल रहा है बल्कि फ्लिपकार्ट निकाल रहा है नोकिया के साथ एक तरीके से डील करके, तो देखते हैं कि ये चीज मार्केट में ज्यादा चल पाती है या नहीं, क्योंकि आज के जमाने में तो लोग i7 और पता नहीं आगे आगे भी यूज करने लगे हैं, तो i5 का 10th जनरेशन उतना ज्यादा फायदेमंद होगा या नहीं। अगर फायदेमंद लोगों को लगवाना है मार्केट में फ्लिपकार्ट को, तो इसको ना जो रेट है वो थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि अब तो है कि भाई ज्यादातर लोग मैक को यूज कर रहे हैं और जो लोग गेमिंग से जुड़े हुए हैं वो लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे विंडोज खरीद रहे हैं, बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड वाले, आजकल ग्राफिक कार्ड वाले और बड़ी जो रैम होती है वो वाले भी जो होते हैं लैपटॉप्स, वो भी आप लोगों को सस्ते में मिल जाते हैं। एप्पल से ही जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली खबर मार्केट में ये आई है दोस्तों, कि एप्पल ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा सा हेडफोन होता है ना जो ऐसे कान में लग जाता है, आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये निकाला था जिसकी कीमत तकरीबन 60,000 रुपए थी। अब एप्पल ने इसका जो हेडफोन का वो वाला होता है ना जो कान में लगता है, इसका कवर निकाला है जिसकी कीमत लगभग 6,500 रुपए के आसपास की होगी। मतलब सीरियसली 6,500 रुपए, इतने में तो लोग आजकल नया मोबाइल खरीद लेते हैं, तो एप्पल वहां पे निकाल रहा है ऐसी ऐसी चीजें। खैर एप्पल का भी अपना अलग ही जज्बा है, अलग ही मार्केट है, खरीदने वाले तो लोग खरीदते ही हैं चाहे कीमत कितनी भी हो। खैर मैं भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सच बताऊं तो एप्पल की बात ही कुछ अलग है, मैं ऐसा नहीं एप्पल को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन मैं पर्सनली अपनी सलाह दे रहा हूं, मैं एंड्रॉयड भी यूज करता हूं, मैं एप्पल भी यूज करता हूं, दोनों के कंपैरिजन में मुझे एप्पल ज्यादा बेटर लगता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है पबजी से। भाई पबजी के ऊपर तो ना जाने कब जमाने से तलवार लटक रही है, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, क्या हुआ,
तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भी पबजी को फाइनल मीटिंग की कोई भी खबर नहीं मिली है, और अभी तक जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स पबजी ने मिनिस्ट्री को दिया है अपने रिटर्न को लेकर, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है शायद कंपनी, और इसी वजह से उन लोगों को, पबजी वालों को, अपना पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च करने की परमिशन नहीं मिली है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अंदरूनी खबरी होते हैं ना, उन लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि पबजी शायद फरवरी 2021 तक आएगा। अब पता नहीं पबजी को किस किस तरह की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ में कोई खामी नहीं है वो चीज़ को आ जाना चाहिए। पबजी ने तो इंडिया में भी सब अपना एस्टेब्लिश कर लिया, इंडियन कंपनी बना लिया है, सब कुछ जब हमारे ही पास है तो फिर क्यों हम उससे दूरी बना के रखें। आ जाए तो सब लोग खुश हो। और लेकिन हाँ, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार अगर पबजी या फिर ऐसे कोई भी गेम आते हैं तो इनकी आप लत मत लगाइए, एक लिमिट में खेलिए जिससे मनोरंजन हो। वो मनोरंजन आपको और आपके परिवार वालों को हानि पहुंचाए या फिर किसी भी तरह की परेशानी दे, वो मनोरंजन नहीं होता है। तो मैं भी गेम्स खेलता हूं लेकिन एक लिमिट में। अब गेम की बात आई है तो फौजी की बात ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं फौजी गेम के लिए, वो लोगों की खुश होने का समय आ गया है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई फौजी जो है 15 दिसंबर को मार्केट में आ जाएगा, और उन लोगों के पास आएगा सबसे पहले जिन लोगों ने इस गेम के लिए प्ले स्टोर में जाके रजिस्ट्रेशन किए थे। तो कांग्रेचुलेशन अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, तो मुझे नहीं पता भी अवेलेबल है या नहीं रजिस्ट्रेशन, अगर अवेलेबल है तो कर दें, आपको फौजी ऐप गेम मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का गेम है, खेलने में मजा आ सकता है, इंडिया का अपना गेम है। अब बात आई है पबजी फौजी की, तो टिकटॉक की बात ना ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो एक रूमर की माने, रूमर नहीं अगर एक सच्ची बात की माने, तो जो टिकटॉक है वो अपना नाम चेंज करके यानी कि बाइटटॉक बनके मार्केट में उतर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट में तो कोई ज्यादा खबर नहीं है बाइटटॉक से जुड़ी हुई, लेकिन EUIPO नाम का एक पोर्टल है, उसमें बाइटटॉक नाम की एक कंपनी को रजिस्टर हुआ देखा गया, एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर हुआ देखा गया। तो बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि बाइटटॉक टिकटॉक ही है जो कि अब मार्केट में रिटर्न कर सकता है पबजी का देख के। जैसे पबजी मोबाइल इंडिया बन के आ रहा है, वैसे शायद टिकटॉक बाइटटॉक बन के वापस आ जाए। तो अभी देखते हैं, पबजी को तो इतना समय लग रहा है, पबजी की तो इतने ज़्यादा दुश्मन भी नहीं है हमारे ये जो मार्केट है या फिर हमारी यूथ है उसमें, लेकिन टिकटॉक के बहुत ज़्यादा दुश्मन है। तो क्या टिकटॉक को भी उतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी या फिर टिकटॉक को आने में कोई परेशानी नहीं होगी? खैर, जैसा मैंने कहा था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम सामने नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी गेम या फिर किसी भी ऐप को मार्केट में आने से रोकना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो, अगर कोई सिक्योरिटी की परेशानी नहीं है तो, और अगर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, अगर जिससे हमारी कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा लीक हो रहा है, तो यार बेशक वो नहीं आना चाहिए, और नहीं है तो आ जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। और इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसे इस तरह की न्यूज बहुत ज्यादा पसंद होती है। दोस्तों अपने मॉम डैड को भी दिखाना कि देखो हम लोग इंटरनेट में संडे के दिन अपना वेस्ट नहीं करते, हम लोग इस तरह की जानकारियां लेते हैं जिससे हमारा IQ लेवल, जनरल नॉलेज लेवल और पता नहीं कौन सा लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों मुझसे जुड़े रहना है तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। अगले संडे को फिर से मैं कमाल के संडे टॉक्स के एपिसोड में मिलूंगा, लेकिन पूरे हफ्ते भी आता हूं, कभी गेम खेलता हूं तो कभी अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूं। तो जुड़ जाइए मुझसे, हर तरह का एंटरटेनमेंट आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए हम कल फिर से एक कमाल के एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।